दबेगा, ठीक है, और पुनः अपनी अवस्था में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परंतु है तीनों कौन सी, प्रकृति कौन सी है तीनों की, ठोस। कौन सी है, ठोस है, सॉलिड है, इट्स अ सॉलिड स्ट्रक्चर। तो जो कील है, कील क्या है कि इस चीज के मध्य, हमने बता दिया कि जो कण है वो बहुत ज्यादा नजदीक है, चौक के कण थोड़े उसके बीच में बॉन्ड, जो इनके बीच में बॉन्ड था वो क्या बहुत कमजोर था, कण के लगता तो पास पास है परंतु इनके बीच में जो बॉन्ड था ये एक दूसरे को पकड़ के, तो रबड़ बैंड है उसके मध्य भी रिक्त स्थान बहुत थोड़ा कम होता है, परंतु वो क्या अपनी पुनः स्थिति में आ जाता है। तो इससे सिद्ध होता है पदार्थ के जो कण होते हैं उनके कणों, दो कणों के मध्य एक बॉन्ड होता है, वो बॉन्ड उन्हें इस प्रकार पकड़ के रखता है, चाहे कोई भी पदार्थ है उसके बीच में एक बॉन्ड है। जैसे पानी है, पानी के अंदर में अगर अपना अपनी अंगुली चलाऊंगा तो अंगुली के बाद के पानी, जहां जहां मैं अंगुली है वहां पे पानी अलग हो गया, जैसे ही मैं अंगुली आगे किसका वो पानी एक साथ आ जाएगा। तो हर पदार्थ के कणों के बीच एक बॉन्ड होता है, किसी के बीच ये बॉन्ड जो बंद है वो कमजोर होता है और किसी के बीच ये बॉन्ड क्या होता है, मजबूत होता है। तो जो चोक थी इसके कणों के मध्य जो बॉन्ड था वो कमजोर था परंतु है ये ठोस, और कील है उसके कणों के मध्य ये जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रोंग है। तो आप अपने आसपास जितनी भी चीजें देखोगे अगर वो बहुत ज्यादा सॉलिड है तो सारी ठोस में, अवस्था तो उनकी ठोस है, परंतु वो अगर असामान्य घटना मतलब वो टूटती नहीं है तो उनके बीच में बॉन्ड बहुत अधिक है, और अगर वो आसानी से टूट जाती है तो उनके कणों के मध्य बॉन्ड बहुत कमजोर है। पानी के कणों के मध्य बॉन्ड होता तो लचीला है जैसे रबड़ बैंड के, उनको क्या अलग नहीं कर सकते, जैसे अपने हाथ डाला वो अलग हो जाएंगे परंतु जैसे हाथ हटाए वापिस अपनी पुनः स्थिति में आ जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है ये ठोस का टूटना, कमजोर होना और ताकतवर होना ये उनके बीच के बॉन्ड पर आधारित है। इतना हमने पढ़ लिया, कल अपने क्या करेंगे, ठोस और द्रव और गैस इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।